नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में IQ Z9 5G वर्सेस Realme 13+ 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9 5G में 6.42 इंच जबकि 13 प्लस में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z9 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Z9 5G में 2.98 इंच जबकि 13 प्लस में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Z9 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Z9 5G में 0.31 इंच जबकि 13 प्लस में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9 5G में 188 ग्राम जबकि 13 प्लस में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z9 5G में AMOLED जबकि 13 प्लस में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9 5G में 86.83% जबकि 13 प्लस में 88.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9 5G में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 13 प्लस की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 13 प्लस में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9 5G में माली G610MC4 जबकि 13 प्लस में माली G615MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9 5G में MediaTek Dimensity 7200 और 13 प्लस में MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी मिलता है। बात करें रैम की तो Z9 5G में 8GB की रैम मिलती है, जबकि 13 प्लस में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है। और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z9 5G में अप टू 1TB जबकि 13 प्लस में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z9 5G में 2 कलर्स जबकि 13 प्लस में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,827 रुपीस
8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 13 प्लस की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो IQOO Z9 5G में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 13 Plus 5G की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Realme GT60 5G है, तीसरा Vivo S19 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco F6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।